फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आई होप आप लोग मजे में होंगे, मस्ती में होंगे, जहां भी होंगे खूब सारा फन कर रहे होंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हॉलीडे पीरियड चल रहा है, वेकेशंस चल रही हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम है, तो यहाँ पे तो यही टाइम होता है इनके, यही मेजर फेस्टिवल्स होते हैं, तो यहाँ पे खूब सारा स्पेशल पूरा हॉलीडे फन चल रहा है। और मैंने और रवि ने भी छुट्टी ली थी, पूरी हमारी ऑलमोस्ट वेकेशन और छुट्टियाँ वगैरह सब कुछ मिला के 10-12 दिन की छुट्टी हमारी हो गई। तो हमने सोचा था हम कहीं घूमने जाएंगे, मस्ती करेंगे, न्यू ईयर कहीं अच्छे से सेलिब्रेट करके आएंगे। हमने कुछ प्लान्स कर रखे थे अपने, पर सब फ्लॉप हो गए यार, क्योंकि दोबारा से बढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी तो घूमने गए थे वीकेंड पे, तो वहां पे बहुत भीड़ थी अभी और बहुत ज्यादा। और न्यूयॉर्क सिटी इज वन ऑफ द प्लेसेस, वन ऑफ द सिटीज जहाँ पे बहुत टूरिज्म है। ऑब्वियसली लोग दुनिया भर से आते हैं न्यूयॉर्क सिटी में, ना कि सिर्फ जस्ट US के विद इन लोग ट्रैवल करते हैं, बट बाहर भी। तो बहुत भीड़ थी और सब कुछ था। सोचते सोचते प्लान करते करते फाइनली कहीं नहीं जा रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं बस मॉल जा रहे हैं, आउटलेट मॉल। और मॉल पहुंच गए हम लोग। मॉल ओपन एयर मॉल है ये, प्रीमियम आउटलेट मॉल न्यू जर्सी का है ये, और ये ओपन एयर मॉल है, क्लोज्ड मॉल नहीं है, तो थोड़ा सेफ है घूमने के लिए। और भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि वीकडे है, आज थर्सडे है, तो बट स्टिल अभी हॉलीडे पीरियड थोड़ा चल रहा है तो थोड़े बहुत लोग तो थे, बट काफ़ी कम भीड़ थी। अदरवाइज़ वीकेंड वगैरह पे तो बहुत रश रहता है यहाँ पे। और प्रीमियम आउटलेट मॉल में ना अच्छी अच्छी डील्स भी रहती हैं। हम लोग लंच के टाइम पे पहुँचे थे तो भूख लग रही थी, तो चाइनीज़ हमने खाया, वहीं फूड कोर्ट है, और हम लोग अंदर फूड कोर्ट से लाके बाहर भी डाइनिंग के लिए ऑप्शन था, तो हम लोग बाहर आके आराम से बैठ के ओपन में हम लोगों ने अपना लंच इन्जॉय किया। और अभी वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है, 2-3 हफ्तों से न्यू जर्सी में काफ़ी थोड़ा वार्म वेदर हो गया है यहाँ पे, तो ठीक वेदर है घूमने के लिए और बाहर बैठने के लिए। एंड स्पेशली मैं आई थी प्रीमियम आउटलेट मॉल अग में, मैं एक अग में बूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं और अग के मैं एक स्पेसिफिक बूट्स ढूंढ रही हूँ, तो वो मैं ढूंढने आई थी। बेसिकली हम उसी के लिए आए थे प्रीमियम आउटलेट मॉल, तो वहाँ पे डील्स तो बहुत अच्छी अच्छी थी, पर जो मैं ढूंढ रही थी वो मुझे नहीं मिला। मैं बस ये गैप की एक हुडी लेकर आई और गैप की टी शर्ट लेकर आई। गैप के साथ मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है क्योंकि रुएं से निकल जाते हैं कपड़ों में, तो ज़्यादा कुछ नहीं। अदरवाइज़ डील्स काफ़ी अच्छी थी, इनफैक्ट डील्स हर जगह बहुत अच्छी थी। अभी क्रिसमस न्यू ईयर की डील्स अभी तक चल रही हैं वहाँ पे, और काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स थी, सारे शोरूम्स में कुछ ना कुछ डील ज़रूर थी। ये जो कपड़ा है ना बड़ा अच्छा लगा मुझे, सॉफ्ट लगा, तो मैं ये घर के ही पहनने के लिए हैं दोनों ये, तो वो लेकर आई। और फिर रात को डिनर हम लोगों ने सिंपल सा रोटी सब्जी डिनर किया, पालक को ब्लांच करके आटे में गूंद लिया था, उसको थोड़ा प्योरे बना के आटे में गूंद लिया था, तो बस उसकी रोटी बना ली और उसके साथ साथ बना ली थी वो कैप्सिकम, समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूँ, शिमला मिर्च और आलू की जो सब्जी होती है ना वो बना ली थी सिंपल सी। एंड बस हम लोगों का ये सिंपल सा लंच हो गया था। एंड आई होप आप लोगों ने मेरा ये वीडियो एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, जो कि हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन का वीडियो है। सिंपल सा है बट या यू विल डेफिनेटली इन्जॉय आर न्यू ईयर के वीडियो सेलिब्रेशन का वीडियो। प्लीज़ डू वॉच इट। बाय बाय।